आर्मी से हवलदार के पद से रिटायरमेंट होकर अपने घर पहुंचे संदीप का आज यहां पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। मोटरसाइकिल के काफिले के साथ उन्हें उनके निवास स्थान पर लाया गया। उनका जबरदस्त स्वागत की झड़की आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। खुली गाड़ी के अंदर लाया गया और उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ पड़ी। देखिए एक नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है संदीप। आपको बता दें कि हवलदार के पद पर थे और आर्मी में थे, रिटायरमेंट हो गए, अभी हांसी पहुंचे हैं और उनका यहां पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। उनको काफिले के साथ लाया गया, फूलों की बरसात की गई है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार ये हांसी में एंट्री करी तो उसी समय भारी संख्या में लोग इनका स्वागत के लिए उमड़ पड़े। और आपको बता दें कि जवान होता है, जवान देश की रक्षा करता है, जब रिटायरमेंट होगा तब किस प्रकार उनका स्वागत किया गया, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आप रिटायरमेंट होगा आए हो जैसे, तो आपको जगह स्वागत किया गया। सर ये बहुत अच्छा लगा, मतलब हमें ये लगता है कि एक पूरा जीवन तपस्या है, लेकिन जब लोगों के दिल में ऐसी भावना देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि जितना काम किया वो किसी को रियलाइज हुआ है, उन्हें हमें रिकग्नाइज किया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सम्मान है। देशभक्ति गीत चल रहे थे, भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे थे। वैसे देशभक्त तो हर एक नागरिक बन सकता है, लेकिन फौजी एक डायरेक्ट मतलब कसम खाता है कि देश की इज्जत आन बान शान पे कोई भी बात आई तो मैं अपनी जान की बाजी आग पानी हवा के रास्ते लगा के एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगा। तो मतलब ये मोस्ट डायरेक्ट वे है देश को, कंट्री को सर्व करने की, इसलिए मतलब फौजी का एक रिस्पेक्ट होती है, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको सुन के, समझ के और देख के। तो आप जम्मू कश्मीर से रिटायरमेंट हुए हो? अभी मेरी पोस्टिंग 15 कोर श्रीनगर में थी, ओल्ड एयरफील्ड में। जी सर। तो आपने जब उसमें सेना में भर्ती हुए आर्मी में, उस समय आपको किस प्रकार लगा? भर्ती हुए थे जैसे ओपन रैली थी, तो उस टाइम पे दोस्त साथ वाले जाते थे, तो मतलब उस टाइम पे हमने भी ज्वाइन कर लिया। और फिजिकल आपको पता ही है हरियाणा के बंदों का ज़्यादातर अच्छा होता है, तो फिजिकल भी हो गया, रिटर्न भी ठीक ठाक था, बीएससी मैं कर रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद मतलब एक झटके में ही दोनों रिटर्न और ये फिजिकल दोनों एक बार में ही हो गया और पहली बार में ही सिलेक्ट हो गया। मैं 20 साल से पहले भर्ती हो गया था और हाँ जी अभी 16 साल सर्विस करके आया हूँ, 36 से कम एज है मेरी। तो अब आज घर पहुँचे हो, लोगों ने भी स्वागत किया है, आपने अपनी धर्मपत्नी को माला बनाई है और उन्होंने भी आपको बनाई है, आज कही तो आज आपने उन्हीं के साथ दूसरी बार में माला पहनी। सर एक रीयूनियन होता है, अपनी भावना को एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता है आदमी, औरत सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है उनका, तो एक्सप्रेस करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, तो वो मतलब कोई भी चीज़ के बहाने अपनी भावना को प्रकट करती है, तो वो एक भावना को प्रकट करना ही था। इसको इस तरह से मतलब कोई भी नाम नहीं दे सकते कि माला क्यों पहनाई गई है, बस वो एक भावना का प्रदर्शन था कि मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इज्जत सम्मान करती हूँ। श्रीनगर में देखा गया, काफ़ी बार हम देखते भी हैं कि आतंकवादी आते हैं तो हमारे जो देश के जवान हैं उनको खदेड़ भी देते हैं, उनको ढेर भी कर देते हैं। देखो एक आतंकवादी को मारने के लिए कम से कम 100 बंदों को प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है, तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है। और कुछ लोग अपनी मतलब राजनीति के लिए भी इसको बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग इसको मतलब यूज करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन मतलब सेना कभी भी ना हार मानी है, और जब तक सेना है देश के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा सकता। जवानों को 100 को जान देनी पड़ेगी 100 भी देंगे, 1000 को देनी पड़ेगी 1000 भी देंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका एक ही मोटो होता है कि किसी भी तरह से आतंकवाद को, देश की अशांति को ख़त्म करना है, और वो ख़त्म करके ही जड़ लेंगे। जब तक सेना है देश को कोई खतरा नहीं है। जब तक देश में सेना है तब तक देश को कोई खतरा नहीं है। और संदीप जी ने जिस प्रकार बताया कि जवान हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, देश की रक्षा के लिए इतना तैनात हैं। बिल्कुल सर, आप जब एक काली रात में हम ड्यूटी दे रहे होते हैं, ठिठुरती ठंड भी होती है और बिल्कुल कड़ाके की गर्मी भी होती है, तो सारी में देख के पूरा जीवन ये लगता है कि तपस्या है, लेकिन जब लोगों के दिल में हम सम्मान मिलता है देखते हैं तो मतलब लगता है कि इन कैश हो गया हमारा, मतलब रियलाइज कर रहे लोग, बहुत अच्छा लगता है ये देख के। तो एक
जैसे भगवान राम भी एक वनवास कर काट के आए थे, तो उनने भी बहुत कुछ सीखा था, तो इसी तरह से हमने भी सेना से बहुत कुछ सीखा है और उसको यूटिलाइज करेंगे अभी। मतलब जो मेन चीज़ हमारे स्टूडेंट है जो ज़्यादातर सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ढीलापन आ जाता है, डिसिप्लिन नहीं होता, या फिर पूरी समर्पण या डेडिकेशन से नहीं कर पाते काम। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैंने भी एक अकेडमी खोलने का फैसला लिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे कॉन्टैक्ट में संपर्क में जो आए उन बंदों को कम से कम मेहनत करवा के एक डिसिप्लिन लाइफ दे के, ताकि वो अगर मतलब जो सरकारी नौकरी के पीछे ओढ़ लगी है वो ना भी बन पाए तो एक अच्छा नागरिक जरूर बन सके। तो मेरा ये भी मतलब उद्देश्य था, इसलिए मतलब एक मैंने मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम पे एकेडमी का उद्घाटन किया है, आज़ाद इंटीग्रेटेड पाठशाला। तो आप युवाओं को क्या संदेश दोगे? युवा को संदेश ये है कि देशभक्ति का सबसे डायरेक्ट तरीका तो सेना में जाना ही है, जिसमें जज्बा है, जिसमें देशभक्ति है, वो सेना ज्वाइन कर सकता है। बाकी दूसरे युवाओं को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अकेली सेना में रह के देश सेवा नहीं होती, देश सेवा हर जगह होती है, वो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अपने आप से और अपने परिवार अपनी सिचुएशन से लड़ते रहें और देश के बढ़ोतरी के लिए काम करें, ना कि कोई गलत नशे पते में पड़ के वो हमारे देश को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे की आपकी रणनीति अकेडमी खोलने की है? हाँ, अकेडमी खोलने की है। इसमें मतलब इसके साथ साथ सारी अकेडमी जो वो बहुत अच्छा काम कर पढ़ाती हैं, लेकिन मेरा एक मोटो ये भी रहेगा कि उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा लाया जाए स्टूडेंट के अंदर, जिसके कारण एक बार क्या होता है, एक बंदा 10-15 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है लेकिन फिर उसका रूटीन टूट जाता है, या फिर और कोई गलत संगत में पड़ जाता है, या उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो उसके लिए जो हमने सेना में सीखा है, इतना ज़्यादा मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटती जो सेना में नहीं सिखाई जाती, तो हम कोशिश करेंगे कि वो बंदों के अंदर डाली जाए, उनको सिखाई जाए, तो उनको एक कम से कम एक अच्छा नागरिक जरूर बनाया जाए और वो आगे चल के देश के काम आ सके, देश की सेवा कर सके। आर्मी से रिटायरमेंट होकर पहुंचे संदीप, उनका घर पहुंचने पर स्वागत किया गया, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदेश है। धर्मपति जी ये पहुंचे हैं आज आपके घर, रिटायरमेंट हो गए हैं, आपने भी उनको माला पहनाई है, उन्होंने भी आपको पहनाई है। बहुत अच्छा लगा, और मेरे पति मतलब हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, बस हम लोग को। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे दो हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो लड़का क्या करोगे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो भी देश की सेवा करे, अगर वो मतलब बाई चांस लक नहीं वो पाता कि उसमें आर्मी में नहीं हो पाता ऑफिसर, तो वो कम से कम देश की सेवा करके अच्छा अच्छा आदमी जरूर बने। तो आप भी अपने लड़के को देश सेवा के लिए भेजना चाहोगे? आती हूँ, मतलब वो अच्छा वो करे, देश की सेवा करे अच्छे से वो। खुश हूँ। हाँ जी, हम मेरे परिवार खुश है। हाँ, बहुत परिवार सारे खुश हैं, बस एक मम्मी होती तो वो और भी ज़्यादा खुश होती। उनका सपना यही था कि वो मतलब अपने बेटे को रिटायरमेंट देखना चाहती थी, फिर वो नहीं हो पाया पूरा, बस ये थोड़ा दुख है। हाँ जी, राम राम जी, मैं हूँ सोनम तिवारी और मेरे साथ हैं ललित भारद्वाज जी, और इनका चैनल है हरियाणा पोल खोल न्यूज़। तो इनका चैनल यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो आप सभी लोग जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और इनको फेसबुक पे फॉलो भी कर लें, और अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए, सभी कलाकारों की न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।